सेक्टर को कुछ ना कुछ मिलेगा। सुरेंद्र राजपूत जी वहां से, सुरेंद्र जी ये बताइए, हर सेक्टर को अगर सब कुछ देना है और जैसा आप भी कह रहे हैं कि हर सेक्टर को मिलना चाहिए, तो आना कहां से चाहिए पैसा? कहीं से तो आना चाहिए ना, कहीं से तो आएगा ना पैसा। किशोर भाई आप तो बड़े, सुरेंद्र जी जिस तरीके, सुरेंद्र जी आपकी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं थोड़ी देर में आपके पास आने की कोशिश करूंगा जब शायद ये लिंक ठीक हो। पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी पैसा आना कहां से चाहिए? देखिए किशोर जी, सब लोगों को पैकेज चाहिए, सारे सेक्टर्स को पैकेज चाहिए और सारे तरफ एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है लोगों में, और जैसा कि स्टॉक मार्केट भी दिखा रहा है, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। एक सोर्स है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग रियल इस्टेट है, वहां गवर्नमेंट को पीपीपी मॉडल पे काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पैसे के साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, जो हमारी सरकार पिछले कई वर्षों से लेके आ रही है, उसमें हमारा पूरा रिकवर नहीं हो रहा है पैसा। दैट मीन्स डिसइन्वेस्टमेंट को हमको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट को वहां से स्ट्रांग रेवेन्यू प्राप्त हो। सारा पैसा टैक्स से आए और तब गवर्नमेंट पैकेज अनाउंस करेगी, ये संभव नहीं है। इसलिए ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस पे गवर्नमेंट को काम करना, जो आप भी वही बात कह रहे हैं कि टैक्स जो है उसको अब और कितना बढ़ाया जा सकता है, अब तो टैक्स के अलावा दूसरे सोर्सेस को देखना होगा। जी जी अश्विनी जी, हो सकता है, पीपीपी मॉडल्स हो सकते हैं, जहां जहां आप सरकार किसी के साथ जुड़ सकती है वहां से रेवेन्यू मोप अप कर सकती है, और कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज हो सकते हैं, समबडी वाज सेइंग कि एक्स्ट्रा प्रिंटिंग ऑफ मनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक्स्ट्रा प्रिंटिंग ऑफ मनी तो वो तो क्या नोट छाप दीजिए तो इन्फ्लेशन ही बढ़ना है। अब वो जैसे भी उसको किस तरह से बैलेंस करना है, समावेश करना है, लेकिन एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ टैक्स शुड नॉट बी देयर। देखिए चैलेंज तो सबके लिए है ना बराबर, सिटीजन के लिए भी चैलेंज है, कोरोना की मार उसके ऊपर भी पड़ी है, टैक्स आप उसके ऊपर डालो। देवेंद्र शर्मा जी आप इसमें कहां स्टैंड करते हैं, टैक्स के अलावा कैसे रेवेन्यू बढ़ाएंगे? देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट होती है जब हम कहते हैं कि एक तरफ तो स्टॉक मार्केट बूम कर रही है और एक तरफ दुनिया में और भारत में इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, ये दोनों का डिस्कनेक्ट हमारे सामने है। उसके बावजूद भी हम ये मान के चलते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट बूम कर रही है तो इट्स ए गुड इंडिकेटर। मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सी इकोनॉमिक थॉट है जो ये नहीं आज तक ये कर पाई, क्लियर नहीं कर पाई कि जो स्टॉक मार्केट है इट इज़ नो इंडिकेशन ऑफ द इकॉनमी ऑफ ए कंट्री और ऑफ द इकॉनमी ऑफ द ग्लोब। दुनिया भर में स्टॉक मार्केट बूम कर रही है लेकिन इकॉनमी सब की जो है वो ध्वस्त है आज तो, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इन दोनों के अंदर जो हम ये गैप मान के चलते हैं कि वो एक इंडिकेटर है, वो सॉरी दैट इज नॉट ए इंडिकेटर, इनफैक्ट उसको हमें समझना पड़ेगा कि क्या कारण है कि ये बूम कर रहा। अब आपने कहा कि जो सरप्लस मनी जनरेट अगर हमें करनी है इंडिया में, किसी ने कहा ये बात, अब अमेरिका और यूरोप में जो सरप्लस मनी या नोट पे नोट छापते हैं उसके करके हमारी स्टॉक मार्केट बूम करती है, मैंने कहीं चर्चा में ये बात देखी नहीं। क्यों नहीं देखते हम इस बात को कि हमारी जो स्टॉक मार्केट बूम हो रही है दैट इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ द रियलिटीज ऑफ द कंट्री, एक बात तो ये हमें समझनी है। दूसरी बात ये है किशोर जी कि हम ये देखें कि हमने 2009 से एक इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया था कॉर्पोरेट को 1.80 लाख करोड़ का, जो एक साल में वापस हो जाना चाहिए था, ये खत्म हो जाना चाहिए था, वो आज तक चल रहा है। नोबडी हैज क्वेश्चन कि वो क्यों चल रहा है 1,80,000 करोड़ रुपए का। उसके अलावा आप एनपीएस देखें जो है, वहां पर हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, उसको हमें लिमिट करने की जरूरत है। क्या बात है कि हर बार एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं, इकॉनमी का बर्डन तो सारा उसके करके है, और अगर वो पैसा उपलब्ध हो तो आप देखिए हमारी इकॉनमी जो है किस तरीके से दौड़ेगी। तो ये जो हमारा डिस्कनेक्ट है या जो हमें आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर को जो स्टिमुलस दिया गया था 2008 के क्राइसिस के बाद,